ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा, जैसे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उसकी जानकारी दे देनी है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि आधार कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है, उसके पापा का नाम यानी कि फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ईमेल आईडी बतानी होगी, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद अगर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कहने की बात यह है आपको यहाँ पर इस भर्ती में केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है अगर मैं आपको वो भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। जब को पहली वैकेंसी होगी जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, प्लस आपको यहाँ पर टेक्निकल की वैकेंसी मिलेगी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मिल जाएगी, क्लर्क होगी, ट्रेडमैन 10th पास के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से ओपनली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि भारतीय सेना की ओर से ओपनली भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती का रैली का एड्रेस क्या रहेगा, किस एड्रेस पर आपको जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किसकी जीरोक्स लेकर जानी है, कितनी आपकी दौड़ रही है, कितनी आपकी हाइट होना चाहिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो फ्रेंड्स इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और कभी भी जब भी इंडियन आर्मी ओपनली भर्ती कराती है तो उसमें मेंशन नहीं करते कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा नोट मेंशन यहाँ पर रहेगा। जो पोस्ट नेम होगा, टोटल आपको यहाँ पर 6 प्रकार की वैकेंसी दी गई, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले पहली वैकेंसी होगी सोलर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ट्रेडमेंट 10th पास, ट्रेडमेंट 8th पास के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा केवल और केवल आपको यहाँ पर इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा, यानी केवल और केवल आपको यहाँ पर इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से ही आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अब देखें फ्रेंड, जिस भर्ती का फिजिकल डिटेल होगी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होगी इसमें जो आपकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। क्लर्क पोस्ट के लिए 162 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आते हैं, जो आपकी हाइट रहेगी सभी पोस्टों के लिए 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर देना। जो आपका वेट रहेगा कम से कम 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होगी केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए 70+5 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना अनिवार्य है, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। जो इस भर्ती का जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर रहेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी एज यहाँ पर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अदर पोस्टों के लिए यानी कि ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क की जो वैकेंसी होगी इसमें अगर आपके 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको यहाँ पर जो एज में छूट दी जाएगी वो इस भर्ती में रूल लागू नहीं होगा, यानी जो एस सी एस टी वालों को 5 ईयर छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 ईयर छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से सभी जानकारी ले पाएंगे। जो आपके यहाँ पर रनिंग होगी यानी कि दौड़ लगानी होगी
1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की आपको यहाँ पर दौड़ कंप्लीट करनी होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा। सेटअप्स आपके यहाँ पर नहीं होंगे, पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, एजुकेशन सब डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। प्लस आपके पास यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास किसी कारण से आधार कार्ड नहीं है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। और अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी पोस्ट के 10वीं पास होना अनिवार्य, 45% अंकों के साथ हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। जो ट्रेडमैन की वैकेंसी उसमें यहाँ पर सिंपल 10वीं और 8वीं पास से आप आवेदन कर पाएंगे, बस आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य। टेक्निकल की वैकेंसी हो यहाँ पर 10 प्लस यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और इंग्लिश में आपके 50 नंबर भी होना अनिवार्य है। अदर सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर अगर आप 40 नंबर से कम हैं तब भी आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर होना अनिवार्य। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी दौड़ होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर रहेगा। जो अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर दिशा निर्देशों को रीड करना होगा, करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर स्टेट हुआ, आधार कार्ड नंबर, इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना होगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। करने के बाद यहाँ पर अगर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। अगर आपने अब से पहले यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो यहाँ पर इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 13 मार्च से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 अप्रैल 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जो आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड होंगे वो यहाँ पर 27 अप्रैल के बाद कभी भी जारी कर दिए जाएंगे। जो आपको यहाँ पर स्टेडियम का नाम दिया गया जहाँ पर आपकी ओपन एली भर्ती चलेगी, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में आपके यहाँ पर ओपन एली भर्ती को यहाँ पर लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ओपन एली भर्ती यहाँ पर मुजफ्फरनगर में होने वाली है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन करेंगे उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। आपको यहाँ पर 16 प्रकार की यहाँ पर टोटल सभी डिस्ट्रिक्ट दी गई है। सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।